हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, JKSSB ने रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट किए नोटिफिकेशन नंबर 2nd of 2021 के, उसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट थी उसको, उसका जो एग्जाम कंडक्ट किया JKSSB ने। तो मैं आपको बता दूं, आज की जो अपडेट है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आंसर की और सीकिंग और रिप्रेजेंटेशन इफ एनी टू द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट CBT एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ विद इफेक्ट फ्रॉम 17th of August टू 25th of August 2021 एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग। तो जहाँ पे जो अपडेट आई है, जो आई है नोटिफिकेशन नंबर 2nd of 2021 की, इसमें जो एग्जाम कंडक्ट किया JKSSB ने 17 अगस्त से लेकर 25th अगस्त तक, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है, JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट, मैं आपको बता दूँ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट थी और ये डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आंसर की क्वेश्चन पेपर शैल बी अवेलेबल थ्रू द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, दैट इज www.jkssb.nic.in। तो 3 दिन के अंदर जो है, जैसे एग्जाम कंडक्ट होगा 3 दिन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जे अगर हम बात करें इसके, आपको 3 दिन के अंदर आपको जहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप, ऑनलाइन लिंक से आप जो है अपनी जो है आप आंसर की जो है चेक कर सकते हैं। आंसर की क्वेश्चन पेपर जो है शैल बी अवेलेबल होगा आपके ऑनलाइन, आप इसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे www.jkssb.nic.in की, JKSSB की वेबसाइट पे 3 दिन यानी कि 29th of August से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो कैंडिडेट कैन सबमिट देयर ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्वेश्चंस आंसर्स एंड अपलोड द सेम along with documentary evidence reference। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है, यानी कि आंसर वहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो आप उसके रिकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, तो ये आपके उस लिंक में आपको मिल जाएगा। हाउएवर ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन थ्रू एनी अदर मीन शैल नॉट बी एंटरटेन। तो आप इसको ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे दी गई है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन देयर रोल नंबर, आपको रोल नंबर जो है लॉग इन करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड बैच टाइमिंग रहेगा आपका, बैच टाइमिंग यानी कि आपका एग्जाम जो है कौन सी शिफ्ट में हुआ था, टू देयर रिस्पॉन्स शीट ए क्वेश्चन एंड आंसर की, इन क्वेश्चन पेपर व्यू करेक्ट अल्टरनेटिव इज हाईलाइटेड इन द ग्रीन, एंटर क्वेश्चन नंबर अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शन इज टू बी रेस्ड, आपको क्वेश्चन नंबर एंटर करना पड़ेगा वो, एंटर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन इन द ऑब्जेक्शन फील्ड, उसके बाद क्लिक ऑन एड बटन टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर देन वन क्वेश्चन, तो आपको एड बटन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर्ड इन ओनली इन इंग्लिश, तो ऑब्जेक्शन आपकी जो होगी वो इंग्लिश में होगी, ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव्स, सिर्फ वही उसी के ऊपर होगी क्वेश्चंस और उसके अल्टरनेटिव, यानी कि जो आपकी 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे। ऑब्जेक्शन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, एक बार आपने कोई ऑब्जेक्शन सेंड कर दी तो उसको दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वंस सबमिटेड न्यू ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी एडिट लेटर, तो एक बार आपने ऑब्जेक्शन कर दी तो आपकी न्यू जो ऑब्जेक्शन है वो लेटर ऐड नहीं होगी। जे है इस ऑफिशियल वेबसाइट में, अगर हम नोटिफिकेशन में देखें तो नोटिफिकेशन 29th अगस्त से आपको ऑनलाइन आपको जो है आंसर की आपको अवेलेबल हो जाएगी, आंसर की मिल जाएगी और आप अपने ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो JKSSB के रिगार्डिंग, बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।